करेंगे खबर महराजगंज से है। यहाँ पर मनरेगा योजना के तहत परतावल के बरियरहवा गांव में पोखरी सुंदरीकरण के नाम पर फर्जी भुगतान कराने के मामले में दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि पोखरी के सौंदर्यीकरण के नाम पर करीब 25 लाख रुपए का फर्जी भुगतान का मामला सामने आया था। खंड विकास अधिकारी प्रवीण शुक्ला ने एपीओ समेत 6 लोगों और वन विभाग के एसडीओ चंद्रेश्वर सिंह ने 3 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में केस दर्ज करवाया था। इसके बाद मुखबिर से सूचना पर मनरेगा में भ्रष्टाचार के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था कोतवाली में, मनरेगा के 25 लाख रुपए का एक घोटाला था जिसका फर्जी भुगतान किया गया था और उसमें कार्य नहीं कराया गया था। इसमें हम लोगों ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, एक विनय मौर्य नाम का जो एपीओ है और एक शिव राम गुप्ता है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। अभी ये दो लोग अरेस्ट हुए हैं। इन्होंने पूरा बताया है कि कैसे इन्होंने कार्य की एक फर्जी आईडी जनरेट की और उसके जरिए इन्होंने भुगतान कराया। इसमें कई लोग अन्य सम्मिलित हैं, कुछ वन विभाग के लोग हैं जिनकी शीघ्र हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। इसमें विवेचना से हम लोगों ने इन दोनों पे दोष सिद्ध पाया है। इसके अलावा इनके पास से लैपटॉप,